Excellency Islam Karimov, President of the Republic of Uzbekistan, Shanghai Corporation, our nation के सभी नेतागण, सभी उपस्थित नेतागण, Excellencies, लगभग एक वर्ष पूर्व मैंने ताशकंद से सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अपनी यात्रा शुरू की थी। मुझे एक्सलेंसी करीमोवा और उज़्बेक लोगों का शानदार स्वागत अभी भी याद है। आपकी मेहमान नवाजी और इस मीटिंग के शानदार अरेंजमेंट्स पर मैं अन्य नेताओं के साथ एक्सलेंसी करीमोवा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन के कुशल नेतृत्व में उफा समिट के दौरान भारत को एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत एससीओ व्यापक संबंधों में यह एक लैंडमार्क है। आज हम मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशंस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी के साथ एससीओ में भारत की सदस्यता की औपचारिक प्रक्रिया समापन की ओर आगे बढ़ेगी। यही नहीं, भारत के इस क्षेत्र में के साथ सदियों पुराने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए मानवता का छठा भाग आज एससीओ परिवार का हिस्सा बन रहा है। भारत की सदस्यता के स्पष्ट समर्थन के लिए मैं तथा पूरा भारत एससीओ के मेंबर स्टेट्स को और उसके लीडर्स के अत्यंत आभारी हैं। मैं बेलारूस का इस संस्था में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वर के रूप में स्वागत करता हूं। एक्सलेंसीज, भारत इस क्षेत्र में नया नहीं है। आपके साथ हमारे सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। हम केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि हमारे समाज, संस्कृति, खानपान और व्यापारिक संबंधों से समृद्ध हुए हैं। यही पुराने संबंध रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ हमारे मॉडर्न डे संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत की एससीओ की सदस्यता के बाद एससीओ की सीमाएं पैसिफिक से यूरोप तक और आर्कटिक से इंडियन ओशन तक फैल जाएंगी। एससीओ का बढ़ता परिवार 40% से ज़्यादा मानवता और 1 बिलियन से ज़्यादा युवाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। एससीओ में भारत ऐसे सिद्धांतों को लेकर आएगा जो एससीओ की फिलोसॉफी से लय में होगा। यूरेशियन लैंडमार्क के साथ तो भारत के संबंध सदैव काफी अच्छे रहे हैं, साथ ही साथ एशिया पैसिफिक में स्थिरता, सुरक्षा तथा खुशहाली के उद्देश्यों का भी हम समर्थन करते हैं। एक्सलेंसीज, निसंदेह एससीओ से भारत को एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्री में लाभ मिलेगा, लेकिन बदले में भारत की आर्थिक उन्नति और विशाल मार्केट भी एससीओ रीजन के आर्थिक विकास के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मुझे विश्वास है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में भारत की क्षमताओं से एससीओ इकोनॉमी को काफी फायदा मिलेगा। हम एससीओ क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज के विकास पर भी काम करने को तैयार हैं। हमारी प्राथमिकताएं समान हैं, इसलिए हमारे विकास के अनुभवों को आप अपनी नेशनल नीड्स के अनुरूप पाएंगे। एक्सलेंसीज, 21वीं सदी का इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड आर्थिक अवसरों से भरा हुआ है, किंतु
इसमें जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और अनेक सिक्योरिटी चैलेंजेस भी है। इसी कारण हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए इस क्षेत्र के देशों का एक दूसरे से जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन मात्र फिजिकल कनेक्टिविटी ही पर्याप्त नहीं होगी। हम एससीओ देशों के बीच गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के सहज मूवमेंट को सुनिश्चित करना होगा, लेकिन केवल यही काफी नहीं होगा। एससीओ क्षेत्र का रेल, रोड और एयर लिंक के जरिए शेष दुनिया के साथ जुड़ना भी आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि एससीओ में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, डिजिटल और पीपल टू पीपल लिंक्स बनाने में भारत एक प्रोडक्टिव पार्टनर सिद्ध होगा। भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार एग्रीमेंट और असगाबाद एग्रीमेंट से जुड़ने का निर्णय इसी इच्छा और इरादा का प्रतीक है। एक्सलेंसी, एससीओ में भारत की सदस्यता खुशहाली का रास्ता बनेगी, साथ ही साथ यह सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। इस क्षेत्र में नफरत, हिंसा और आतंकवाद की रेडिकल आइडियोलॉजीज के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। हम इसमें एससीओ कंट्रीज के साथ एकजुट होकर काम करेंगे और आतंकवाद से लड़ने में जीरो टॉलरेंस और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को बनाएंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थिर, स्वतंत्र और शांत अफगानिस्तान न केवल हर अफगानी की इच्छा है, बल्कि इससे एससीओ रीजन को भी सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। अंत में मिस्टर चेयरमैन, भारत की एससीओ में सदस्यता एससीओ को एक ऐसा क्षेत्र बनाने में मददगार सिद्ध होगी जो कि विश्व के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो कि आंतरिक रूप से सुरक्षित और स्थिर होगा और जो पूरे विश्व से मजबूती से कनेक्टेड होगा। एक्सलेंसीज, अगले साल हम अस्थाना में की एससीओ मीटिंग में इक्वल पार्टनर्स के रूप में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। किर्गिस्तान को उनकी अध्यक्षता में होने वाली एससीओ की 2017 की समिट की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं उन रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान की सरकार की मेजबानी का धन्यवाद करता हूं और आज इस सफल मीटिंग में के आयोजन के लिए एक्सलेंसी करीमाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।